पहाड़ों में 2-3 दिन रहने के बाद ऐसा फील होता है आई विश आई कुड हैव एक्सटेंडेड माई स्टे हियर एट माउंटेन्स फॉर 1 मंथ. बट बोलना जितना आसान है उतना एग्जीक्यूशन उतना ही टफ है, ऐसा होता नहीं है. पर चलो कोई नहीं, जितना दिन यहाँ पे हो उतना दिन तो एंजॉय करने वाला हो. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली गुड. वी आर स्टेइंग एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी हॉस्टल एट मैक्लियडगंज, जहाँ से पूरा पीछे का पहाड़ों का व्यू आप लोगों को दिखने को मिलेगा. ऑन दिस साइड पूरा धौलाधार रेंज विजिबल है. रात में जब हम लोग यहाँ पे बैठे थे बहुत अच्छा वाला व्यू मिल रहा था, उसका फ़ोटो भी मैंने लिया. वो इंस्टाग्राम आईडी पे मैं ज़रूर पोस्ट करूँगा. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज iamra92. वैसे आज का प्लान तो बहुत सिंपल है. टुडे वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स धरमकोट व्हिच इज़ लाइक ए 3 किलोमीटर वॉक फ्रॉम द मैक्लियडगंज मेन टाउन. एंड वहाँ पहुँच के देखेंगे कि वो जगह इतना स्पेशल क्यों है, लोग मैक्लियडगंज जाके क्यों इतना रिकमेंड करते हैं कि धरमकोट ज़रूर जाना. वहाँ का कल्चर, वहाँ का वाइब्स मेरे को आज एंजॉय करना है. वो मैं सब मैं वीडियो में दिखाने के लिए कोशिश करूँगा. तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट. सो आई एम हैविंग सिंपल ब्रेकफास्ट, ब्रेड ऑमलेट बिफोर लिविंग फॉर धरमकोट. क्योंकि धरमकोट पहुँच के भी हम लोगों को हैवी लंच करना है, तो इतना हैवी ब्रेकफास्ट तो नहीं कर रहे हैं. बट दिस इज़ द सिंपल वन, ब्रेड ऑमलेट विथ दिस टोमेटो सॉस. तो धरमकोट जाने के लिए आपको सेम वही मैक्लियडगंज का मॉल रोड होके ही जाना पड़ेगा. इधर से डिस्टेंस दिखा रहा है सरप्राइजिंगली 1.6 किलोमीटर. मुझे लग रहा है कि वहाँ पहुँच के जो पूरा विलेज का एरिया है वो मैक्लियडगंज से 3 किलोमीटर है. तो मुझे लग रहा है कि 1.6 किलोमीटर के बाद धरमकोट स्टार्टिंग होगा. बट रूट यही सेम है थ्रू दिस मॉल रोड. दिस इज़ द मेन स्क्वायर और द मॉल रोड ऑफ मैक्लियडगंज. एंड ये आगे से 2 रास्ता जा रहा है. एक जा रहा है टुवर्ड्स धरमकोट 1.8 किलोमीटर और एक जा रहा है टुवर्ड्स बक्सू ना वाटरफॉल. बट अभी हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, दैट इज़ धरमकोट. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज़ गोइंग टू बी ए मिनी हाइक काइंड ऑफ थिंग, नॉट ए प्रॉपर ट्रेक ऑल्सो. चलो फिर लेट्स गो. अभी तक जो रास्ता हम लोग कवर किए, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि रास्ता इतना भी चढ़ा ही नहीं है, ठीक ठाक है. टायर्ड होने का कोई सवाल ही नहीं है. अभी जो स्टार्टिंग है तो रास्ता अगर ऐसा रहा टिल धरमकोट इट्स एब्सोल्युटली ओके. इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ ए बिगिनर लेवल ऑफ ट्रेकर, ये तो आप आराम से कर लोगे. इट विल बी ए केक वॉक. चलते हुए यू विल गेट ए लॉट ऑफ शैडो एरिया, तो थकने का कोई चांसेस नहीं है. बहुत ही प्लेजेंट वेदर है आज के दिन. मैक्लियडगंज इज शोइंग अराउंड 8-9 डिग्री, ब्राइट सनशाइन. गर्मी ज़्यादा नहीं थी, फिर आपका क्लाउडी हो गया, फिर सनशाइन. आगे चलते हुए हम लोग को एक साइन बोर्ड दिखा जहाँ पे लिखा है धरमकोट एंड त्रिउंड. You need to take the left route for the stay part Dharamkot hotels. You need to take this below route. So हम लोग अभी जाएंगे इस तरफ. वैसे देखा जाए तो त्रिउंड का स्टार्टिंग पॉइंट भी ऑलमोस्ट धरमकोट का सेम एरिया से ही होता है. तो त्रिउंड अगर आ रहे हो तो आई होप यही रास्ते से आना पड़ेगा. आई एम क्वाइट सरप्राइज टू सी ये धरमकोट वाला जो रूट है इसमें ऑटो, बाइक सब कुछ चल रहा है. जनरली किसी भी हाइकिंग रूट पे इतना गाड़ी मैंने नहीं देखा पहले, पर ये रूट तो बहुत सही है. ठीक ठाक से रास्ता भी मेंटेन्ड है, ग्रेजुअल स्लोप है, तो गाड़ी वगैरह सब कुछ चलता है. और आगे 2-3 होटल्स भी है, तो इतना ऊपर होटल करने का फ़ायदा तो मैं नहीं बोलूँगा. इट्स एक्चुअली हैम्पर द एंटायर इकोसिस्टम. मैं इतना सपोर्टर नहीं हूँ ये पहाड़ों में इतना होटल होम स्टे करने का. धरमकोट वाला जो रूट है उसमें हम लोगों को एक मेडिटेशन सेंटर मिला. जगह का नाम है तुशिता मेडिटेशन सेंटर फॉर बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड नीड्स फॉर अल्टीमेट हैप्पीनेस. तो यहाँ पे लोग आके हिमालय माउंटेन के एकदम बीचों बीच बैठ के मेडिटेट भी करते हैं. सो वी आर हियर एट द प्रॉपर धरमकोट एरिया. जो धरमकोट विलेज है वो नीचे के तरफ जाना पड़ेगा. रास्ते वहाँ पे रास्ते हैं नीचे की तरफ जाने के लिए, जो कि बोला जाता है मिनी इजराइल ऑफ मैक्लियडगंज. वो नीचे है. एंड ये जो रूट है इस तरफ से इधर आप लोग कोई ट्रेक करके जा सकते हो. ये रूट से आप आगे 3.5 किलोमीटर तक चल सकते हो और यू विल गेट टू सी गन्नो टेम्पल. बट अभी हम लोग उस तरफ नहीं जा रहे, हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स धरमकोट नीचे विलेज की तरफ. पर थोड़ा आगे जाके दिखा देते हैं कि पूरा जगह से व्यू कैसे मिलता है. अच्छा, तो वेदर बहुत ही बढ़िया है. वैसे आप भी जा सकते हो अगर त्रिउंड ट्रेक कर रहे हो तो यही रास्ते से आगे होके आपको त्रिउंड ट्रेक की तरफ चलना चाहिए. बट अभी तो हम लोग त्रिउंड की तरफ भी नहीं जा रहे. वी आर गोइंग टुवर्ड्स धरमकोट मेन विलेज एरिया. उसका रास्ता बोथ साइड है. एज यू कैन सी दिखने में तो ये ऑफ रोड लग रहा है, कच्चा रास्ता है, बट गाड़ी आगे तक जा रहा है. एट द सेम टाइम गाड़ी बोला कि मेरे को लाइक 3.5 किलोमीटर आगे गन्नू टेम्पल तक ही जाएगा, उसके बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर ट्रेकिंग रूट चालू है। बट ये रास्ते में भी गाड़ी जा रहा है, मतलब ठीक ठाक ही है। ऑल्टो को चला गया, ऑल्टो i10 मैंने देखा ठीक ठाक से जा रहा है। धर्मकोट का जो मेन मार्केट एरिया है उसके लिए आपको ये नीचे की तरफ रास्ता पकड़ना पड़ेगा। भैया मार्केट एरिया नीचे ही है ना? हाँ जी, जो मेन विलेज है। हाँ 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 हाँ, तो यही रास्ते से हम लोग को जाना पड़ेगा। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। चलो चलो चलो। Right now it's around 1:30 PM in the afternoon and we are feeling slightly hungry, so we have decided to go to Morgan's place. देखने में तो कैफ़े ही लग रहा है, नीचे की तरफ रास्ता है, जाके देखते हैं क्या मिलेगा। अभी दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द Morgan Cafe. We are here at the Morgan Place, एक कैफेटेरिया के एरिया में हम लोग है और खाना वगैरह अभी ऑर्डर कर रहे हैं। बट जो व्यू है इधर से, जो बैल्कनी से जो व्यू आ रहा है, देख लो पूरा धर्मकोट विलेज का व्यू आप लोग को दिखेगा। ये पूरा व्यू इधर से बैठ के आप लोग एंजॉय कर सकते हो व्हाइल हैविंग योर फूड। एंड ये कैफे अगर देखा जाए तो काफ़ी सुंदर तरीके से ये लोग मेंटेन किया है, पेंटिंग्स वगैरह सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। और आप अंदर बैठ के भी खाना को एंजॉय कर सकते हो। और ये लोगों का एक अलग से सीटिंग अरेंजमेंट भी है ऊपर की तरफ, ऊपर टॉप में, बट अभी वो बंद है। तो हम लोगों को बोला गया है कि आप यहीं पे बैठो और व्यू का मज़ा उठाओ। फ्रॉम लुक पॉइंट ऑफ व्यू इट्स एब्सोल्युटली थम्स अप। सो हियर एट Morgan House वी हैड टी एंड फिश फिंगर। लंच तो मैं ये नहीं बोलूँगा, आगे जाके अगर भूख लगता है तो कोई दूसरा कैफ़े पर लंच भी करने वाला है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे इजरायली कैफ़ेज़ है, बट मेरे को सुनने में आया दिस इज़ द फेब्रुअरी मंथ, सो जो प्रॉपर सीज़न लगता है वो मार्च का एंड से, मतलब अप्रैल से मई जून जुलाई, तो उस टाइम पे बहुत भारी मात्रा पे यहाँ पे लोग होता है और सारे कैफेज़ खुला रहता है। अभी मान के चलो 60% बंद है और बाकी जितना भी बहुत कम लोग है। तशकीर, वांट टू से एनीथिंग? नो, इट्स अ वेरी गुड प्लेस, यू मस्ट विजिट. So we have Tashkir from Guwahati. Yes, so we met at the hostel Macleodganj, and he is like coming with us to Dharamkot. So right now we are here to enjoy the vibes of Dharamkot only. So this Dharamkot area comes under Kangra district. Okay, and यहाँ से पूरा Kangra Valley और धौलाधर region clearly visible है. We are already inside the main village of Dharamkot. दोनों side cafes, पिज़्ज़ा सेंटर्स इनमें भरे पड़े हुए हैं और 2-3 होम स्टेज भी है। अभी हम लोग वो नीचे से आए, Morgan House बोल कर जो कैफ़े था वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना खाए और चलते हुए अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स धर्मकोट मेन हब। लेट मी शेयर यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस प्लेस धर्मकोट। यहाँ पे हर एक जगह पे आप देखोगे एक इंग्लिश में लिखा है और एक इजरायली हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है, पूरा जगह का नाम हर एक जगह पे, इधर भी लिखा है एंड यहाँ पे भी लिखा है। दिस प्लेस धर्मकोट इज नोन एज मिनी टेल अवीव ऑफ द हिल्स। टेल अवीव इज द कैपिटल सिटी ऑफ इजराइल, सो आप बोल सकते हो इस काइंड ऑफ मिनी इजरायली हब ऑफ हिमाचल। वैसे हम लोग जब कासोल गए थे, कासोल और तोश गए थे, वहाँ पे बहुत सारे इजरायली लोगों का भीड़ था। बट दिस इज द एरिया विच इज़ नोन एज द इजरायली हब, मेन इजरायली हब ऑफ द हिमाचल प्रदेश और ऑफ द हिल्स। हर एक जगह पे आप देखोगे कि जो भी साइन बोर्ड लगा हुआ है ना, वहाँ पे इंग्लिश छोड़ के भी इजरायली हिब्रू लैंग्वेज पे उसका नाम लिखा है। दैट इज़ क्वाइट ए यूनिक फैक्ट। वन थिंग आई अंडरस्टूड इन लास्ट 30 minutes दैट इफ़ यू आर कमिंग टू धर्मकोट यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड दैट यू नीड टू वर्क वर्क एंड सिंपली वर्क। जितना आप घूमोगे चारों तरफ दिखोगे उतना आपको आइडिया आएगा कि यहाँ का लोकलाइट्स लोग कैसे रहते हैं। रास्ते में चलते हुए आपको ऐसा सरसों का खेत भी दिखने को मिलेगा, यहाँ का मेन फसल आप बोल सकते हो सरसों का खेत। और इधर से तो पूरा ये धौलाधर रेंज आपको दिख रहा होगा। अभी तो बर्फ़ नहीं है ऊपर, जब उस साइड बर्फ़ है बोल रहा था, मैंने पूछा ये लोगों से। एक बार आप ट्रिउंड ट्रैक के टॉप में पहुंच जाओगे ना तो उधर से आपको बर्फ़ दिखेगा। दिस इज़ हाउ ए टिपिकल मस्टर्ड फील्ड लुक्स लाइक एट धरमकोट। ऐसे बहुत सारा जगह में चारों तरफ आपको मस्टर्ड फील्ड दिखेगा, आगे भी मेरे को दिख रहा है और इधर बहुत नज़दीक से मैंने आप लोगों को दिखाया। तो रास्ते में चलते हुए दोनों साइड आपको मार्केट दिखेगा, यहाँ से कुछ ख़रीदना चाहो तो आप ख़रीद सकते हो। शॉल, मफलर्स, उलन जैकेट सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ये हिब्रू लैंग्वेज में क्या लिखा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, बट व्हाट आई कैन ऑब्जर्व कि दोनों साइड कैफ़े से भरा हुआ है। इधर भी कैफ़े है, मलका कैफ़े, और उधर भी एक कैफ़े है। चलो फिर और देखते हैं क्या क्या है। वैसे आप लोगों को यहाँ पे आके सिर्फ पैदल ही चलना है और चारों तरफ देखना है। मेरे को चलते हुए एक पॉइंट मिला है जहाँ से पूरा धरमकोट टाउन का व्यू मिलेगा आपको, एकदम एरियल व्यू बोल सकते हो। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। यहाँ पे बैठ के आप 2-3 फ़ोटो वगैरह ले सकते हो, रील्स भी बना सकते हो। बैकड्रॉप इज़ रियली गुड। मैंने अभी लोकलाइट से पूछा, दे टोल्ड कि ऊपर थोड़ा देर आगे चलने के बाद यू विल गेट टू सी चबाड़ हाउस व्हिच इज़ नोन एज द ज्यूइश कम्युनिटी हब ऑफ धरमकोट, जो कि धरमकोट के एकदम बीचों बीच है। बट अभी वो बंद है बिकॉज अभी सीजन नहीं है इजरायली लोगों का यहाँ पे भीड़ जमाने का। दे विल कम इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड उस टाइम पे ये जगह पूरा भरा रहेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग और कुछ यहाँ पे दिखाने के लिए है नहीं, तो अभी डिसाइड किया कि अभी नीचे की तरफ चलते हैं और वापस जाते हैं मैक्लियडगंज, और वहाँ पहुँच के थोड़ा बहुत कैफ़े हॉपिंग करते हैं। अभी के लिए तो छोड़ दो, चलते हैं फिर। राइट नाउ वी आर हियर एट जिमीज़ हिमालयन किचन। कल हम लोग जहाँ पे गए थे जिमीज़ किचन बोल के, ये उसका दूसरा आउटलेट है। दोनों आउटलेट प्रॉपर मॉल रोड पे ही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ़ यू आस्क मी द धरमकोट एक्सपीरियंस, आई विल से इट इज़ लाइक ए एवरेज। ऐसा भी नहीं है कि बहुत खास, ऐसा नहीं है। लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत हाइप करके रखे हैं, बट या इट्स काइंड ऑफ विलेज। अगर आप मैक्लेडगंज धर्मशाला आ रहे हो तो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ हाइप्स भी वहाँ पे दिखेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इफ़ यू आर कमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड जून, उस टाइम पे बहुत सारे इजरायली लोग वहाँ पे आ जाते हैं। अभी 70% लोग वहाँ पे है नहीं है, सब अपने अपने देश चले गए हैं। तो या विद दैट सर आज के लिए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप यू गाइस रियली एंजॉयड दिस धरमकोट पार्ट, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉन्ग वेफेरर। बिसाइड्स यू कैन डीएम योर क्वेरीज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज आई एम 92। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।